More energy, more energy. More footwork, more passion. Boy, go. Boy, more passion, more passion. आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में। ईद मुबारक एवरीवन। आज ईद का पहला दिन है एंड मैं ऑफिस आई हुई हूँ क्योंकि मुझे छुट्टी नहीं मिली। वेलकम टू माय डेली लाइफ इन यूके। अच्छा, तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस ट्रक एंड इट्स फाइनली हियर। अभी इस पर सामान लोड होगा एंड आई नीड टू रेस फ्यू इनवॉइसेस, उसके बाद आई एम गुड टू गो होम होपफुली। अच्छा, तो आज मैंने लिया था हाफ डे बिकॉज ऑफ ईद। मैं 12 तक फ्री हो गई थी एंड कल क्योंकि मैंने हॉलीडे लेना है सो कुछ काम था जो मुझे आज करना था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया। अच्छा, तो आई एम फाइनली डन विथ माई वर्क। नाउ आई एम गोना गो होम। नाश्ता करना है, हलीम बनानी है एंड ईदी जमा करनी है अल्लाह से। पैसा ही पैसा होगा। सो लेट्स गो होम। ईद का दिन और हलवा पूरी, ये जो कॉम्बो है ना, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। वैसे तो हम बाहर से मंगवाते हैं स्पेशल ओकेजन्स पे, बट आज पहली बार मामा ने घर पे खुद बनाया था एंड इट टर्न्ड आउट सो गुड। बहुत अच्छा और बहुत मज़े का बना था, बिल्कुल प्रोफेशनल बाजारी स्टाइल। पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे। पाकिस्तान में भी ईद के पहले दिन हमारे घर दावत होती थी और हम मेज़बान होते थे, और ईद के दूसरे और तीसरे दिन हमारी दावत होती थी और हम मेहमान होते थे। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सीन है और हमारे घर आज है दावत क्योंकि आज है ईद का पहला दिन और कल और परसों हमारा होगा फ्री। तो शर्ट मेरी प्रेस हो गई है एंड काफ़ी अच्छी हो गई है, और जो दुपट्टा है उसको बस मैंने ऊपर ऊपर से कर दिया, ज़्यादा नहीं किया मैंने क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ। उफ, कितनी स्टीम हो गई है, लगता है मुझे जो है ना अपनी खिड़की खोलनी ही पड़ेगी। एंड ये देखें, यहाँ पे नागिन की तरह बैठा हुआ है, इसको देखिए, मुझे एक चीज़ याद आई है। तो ये वाली खिड़की खोल देते हैं एंड खुल क्यों रही वहाँ, एंड होपफुली विद इन 5 to 10 minutes सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और बस आप ये वेदर चेक करें, अच्छा तो तैयार होकर मैं नीचे आ गई थी, कुछ मेहमान आ गए थे और कुछ रहते थे एंड समवन बॉट अस डोनट्स एंड चॉकलेट केक, और ये है मेरी चॉकलेट्स एंड दीज आर गिफ्टेड बाय माय कोलीग। इससे जो पहला वाला ब्लॉग था उसमें आई थिंक सो मैंने अपने कुछ गिफ्ट शेयर किए हैं, तो इसका जो लिंक है मैं डाल दूँगी, तो बी श्योर टू चेक दैट आउट। अच्छा, ये जो सूट है मैंने मंगवाया था पाकिस्तान से फ्रॉम लाइमलाइट, और जो स्कार्फ है ये भी मुझे किसी ने गिफ्ट किया था। आधी हलीम तो वैसे मैंने कल रात को बना ली थी बट मुझे उसमें मीट कम लग रहा था, तो आज दोबारा से मैंने उसमें मीट डाला, उसकी मैंने भुनाई की और उसका जो फ्लेवर था ना बहुत मज़े का था। कहने को तो ये वन डिश पार्टी थी बट हम सब दो दो बना के लाए थे, सो वी हैड हलीम, बिरयानी, कोफ्ते एंड पाए, और स्वीडिश में वी हैड लूटस चीज केक, 3 milk cake एंड खीर। तो बहुत ज्यादा वैरायटी थी हमारे पास एंड सब ने पेट भर के खाना खाया। ईद का मजा तभी आता जब सब लोग इकट्ठे मिलके काम करें ताकि किसी एक बंदे पे बर्डन ना हो और हर बंदे को ईद इंजॉय करने का मौका मिले। अच्छा, तो मीठे में आई ट्राइड दिस लूटस चीज केक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम और सबको बहुत पसंद आया। देवर सो सिंपल टू मेक एंड उनका जो तेल था वो भी बहुत अच्छा था। वक्त कम और मुकाबला सख्त था तो हमने जल्दी जल्दी सारी स्वीडिश भड़काई। उसके बाद हमारा हुआ एक ग्रुप फोटो सेशन, हम लोगों ने बहुत सारी पिक्चर्स ली एंड देन मैंने सारे टब्बर को लगाई मेहंदी। अच्छा, मुझे मेहंदी लगाने का बहुत शौक है, हर किसी को मैं मेहंदी लगाती हूँ, ईद का इवेंट हो या कोई और इवेंट हो तो सबको मेहंदी मैं ही लगाती हूँ, तो इस बार भी मैंने ही मेहंदी लगाई सबको। मेरी
ये देना पारी करे ना पहले मजा ही आ गया ये देना अच्छा तो मैं सबको मेहंदी लगा चुकी हूँ और अभी अभी अपने हाथ पे भी लगाई है एंड काफी अच्छी लग रही है गुड मॉर्निंग गाइस अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू ईद डे टू इग्नोर द खिलारा क्योंकि साफ करना है अब ये सारा राइम्स गुड और अभी हो रहे हैं सुबह के 12 तो अभी जो है ये हम सारा साफ करेंगे इससे पहले हम करेंगे नाश्ता सारे जो मेहमान थे रात को 12 बजे चले गए थे एंड हम सोए रात को 1 बजे अच्छा वैसे हमें सारा साफ करके सोए थे कुछ लोग जो है सुबह का नाश्ता करके स्कॉटलैंड चले गए हैं मैं बहुत थकी हुई थी एंड मुझे लगता है कि मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही है तो इसलिए मैं नहीं गई एनीवेज नाश्ता करते हैं एंड देन फिर साफ करते हैं लेट्स गो इस मेहंदी का कलर बहुत अच्छा आया था ये केमिकल वाली मेहंदी है इसको इमरजेंसी मेहंदी भी कहते हैं और ये मैंने ख़ास पाकिस्तान से मंगवाई थी अच्छा मैं खा रही हूँ तला हुआ नान तो बेसिकली जो भी रात का बचा हुआ नान होता है हम उसको ना हल्का सा पानी में गीला करके उसको कर लेते हैं फ्राई और इतना अच्छा बनता है ये एंड इतना क्रिस्पी बनता है ये एंड बिल्कुल ना फ्रेश हो जाता है तो ये होता है हमारा गो टू ब्रेकफास्ट जब भी कोई रात को नान बचा हो तो एंड दिस इज सो गुड डोनट्स तकरीबन ख़त्म हो गए हैं एंड केक भी थोड़ा सा रह गया है एंड चॉकलेट्स भी जो ऊपर वाला ट्रे है वो खाली हो गया बट नीचे वाला ट्रे उसमें अभी तक बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स हैं अच्छा तो इसको करते हैं स्टार्ट एंड चूज करते हैं करेक्ट सेटिंग एंड स्टार्ट अच्छा तो मैं अभी फारिग बैठी हुई थी तो मैंने इस साइड पर भी मेहंदी लगा ली है जिस बात में जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिज़ाइन हो गया है बट मुझे पसंद आया है एंड ये आई लाइक इट एक बार मैं हलीम बना के ऑफिस लेके गई थी और बहुत लोगों ने तारीफ़ की थी और कहा भी था कि अगर आप नेक्स्ट टाइम बनाएं तो हमारे लिए ज़रूर लेकर आएँ तो मैंने हलीम लादा से बनाई थी अच्छा जी तो मैं खाने लगी हूँ रोटी सालन और यूँ से टूट गई थी बनाते बनाते तो कड़ी भी है एंड कबाब भी है अच्छा मुझे समझ नहीं आ रही कि कड़ी के साथ खाऊँ या कबाब के साथ तो मैं एक नवाला कड़ी का लेती हूँ और एक कबाब का अच्छा तो रात को मैं चली गई थी अपनी खाला के घर फॉर अ नाइट स्टे क्योंकि सुबह मैंने ऑफिस जाना था और रात को कुछ मेहमानों ने आना था लाइक काफ़ी लेट तो मेरी नींद बहुत कच्ची है तो इसलिए मैं वहाँ चली गई और सुबह सुबह मुझे घर वापस आना पड़ा क्योंकि मैंने अपने भाई को पिक करना था उसको स्कूल मैं ड्रॉप करती हूँ तो उसको स्कूल ड्रॉप किया एंड मैं गई एल्टा मेरे दो कोलीग्स हैं दे आर लिविंग और कंपनी तो उनके लिए कार्ड्स और चॉकलेट्स लेनी थी इसलिए मैं यहाँ आ गई So I'm planning to get this card for my colleague. इस पर लिखा हुआ है थैंक यू और अंदर लिखा हुआ है फॉर एवरी थिंग तो आई एम गोना गेट दिस वन कार्ड लेना बहुत मुश्किल था बहुत टाइम लगा क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी कौन सा लूँ कौन सा नहीं लूँ उसके बाद मैंने ली दो चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा वैरायटी थी एंड बजट भी अच्छा था तो अच्छी चॉकलेट्स आ गई थी
उसके बाद मैं चली गई आई लाइनर लेने विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मैं लेती हूँ कलेक्शन का आई लाइनर, बहुत अच्छा है, इट्स ओनली फॉर 3 pounds बट बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी। एंड देन मुझे लेना था ना एक पॉलिश रिमूवर, तो वो भी ले लिया मैंने, क्योंकि अब रोज रोज तो चक्कर नहीं लगता, तो मैंने कहा कि एक बार आ ही गए हैं तो ले लेते हैं। अच्छा, यूके का जो वेदर है वो समझ से बाहर है, पहले बारिश हो रही है तो एकदम से फिर धूप आ जाती है, नाइम लाइक डिसाइड कर लो तुम लोगों ने करना क्या, लाइक चूज कर लो। अभी मैं घर जा रही हूँ और आज रात को हमने अपनी कोलीग को खाना दिया क्योंकि वो जा रही है कंपनी छोड़ के, तो घर जाके उसके लिए भी तैयार होना है। सो मैं ये वाला ब्लैक सूट पहन के जाऊँगी एंड ये मेरा पर्स होगा एंड आई एम गोना वेयर दीज, आई होप मैं इनमें सही चल पाऊँ। आई एम रेडी, ये मैंने लिया था कस्तूर से, बहुत प्यारा सूट है एंड आई लव इट। अच्छा, तो मैं जा रही हूँ अपनी कोलीग के साथ क्योंकि मुझे मोटरवे पे गाड़ी ड्राइव नहीं करनी आती, वैसे मैंने सिर्फ एक दफ़ा की थी बट वो भी अपने पापा के साथ, अकेले तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। अच्छा, तो मैंने अपनी गाड़ी अपनी खाला के घर खड़ी की थी क्योंकि वो मेन रोड से बिल्कुल पास थी और जो मेरा घर है वो बहुत अंदर करके है, तो मेरी कोलीग ने मुझे वहीं से पिक कर लिया था एंड हम घर पहुंचे अराउंड 10 or 10:30। तो मेरी खाला ने बनाई हम दोनों के लिए चाय एंड वी हैड इट विद बिस्कुट, और जो मतलब बिस्किट चाय में तो बहुत बोके खाना है ना, उसका मैं कहती हूँ कि पूरी दुनिया में कोई मुकाबला ही नहीं है, ठीक है, लाइक ओजी सीन है, इट्स सो बिग एंड आई लव इट। हम गोना टेक माई जैकेट विद मी क्योंकि बहुत ज़ोर से लगने वाली है। अच्छा, तो हम लोग जा रहे हैं आज एयरसॉफ्ट खेलने, पेंट बॉलिंग हम लोगों ने पहले की भी है लाइक मैंने और मेरे भाइयों ने, बट मेरे जो कज़न्स हैं उन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ था, तो एयरसॉफ्ट और जो बॉलिंग है वो लाइक सेम ही चीज़ है, बस ये कि लाइक एयरसॉफ्ट में छर्रे होते हैं और बहुत ज़ोर से लगते हैं। हम लेट हो रहे हैं और खाने का बिल्कुल टाइम नहीं है, तो सिर्फ चाय और बिस्किट से गुजारा करेंगे, बाकी की बात में देखेंगे। अच्छा, आई रियली वॉन्टेड टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद एयरसॉफ्ट इन दिस वीडियो, बट क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होगी है सो आई एम गोना शेयर इट इन द नेक्स्ट वीडियो। अच्छा, मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। अच्छा, हम लोगों को ना इस तरह की एक्टिविटीज़ करने का बहुत ज़्यादा शौक है, मेरे दो भाई हैं जो मुझे इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे साथ चलना है और मैं कभी ना नहीं करती। तो लास्ट टाइम हमने की थी पेंट बॉलिंग आई थिंक लास्ट ईयर, बट अगर कंपेयर करें तो मुझे एयरसॉफ्ट ज़्यादा पसंद आई थी एज़ कम्पेयर टू पेंट बॉल, आई थिंक सो इस वजह से क्योंकि पेंट बॉल में जो हमें मास्क दिया हुआ था उसमें लाइक हमें कुछ नज़र नहीं आता था क्योंकि मास्क के अंदर काफ़ी स्टीम हो जाती थी एंड मुझे उसका मज़ा नहीं आया। Number 4 is going to be Kamal. Yep. Thank you. And number 5, Muhammad. Come on. Koi rakho. Andar dekho. Idhar hi rakho, koi nahi. Sab nahi rakho. Sport le lo. अच्छा, ये जो पूरी गेम थी ये 4-5 घंटे की थी और इसमें होते हैं डिफरेंट मिशंस, हर मिशन के बाद आपको कम से कम 10-15 minutes की ब्रेक मिलती है। अगर आप लोगों ने एयरसॉफ्ट करनी है तो आई प्रेफर कि आप सर्दियों में करें ताकि आप अपने मोटे कोट पहन सकें और आपको जो छर्रे हैं वो ज़ोर से ना लगें, क्योंकि कुछ तो बहुत ज़ोर से लगते हैं, कुछ का तो फील भी नहीं होता बट कुछ जो है ना लाइक
क्रूज छोड़ जाते हैं। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि काफी ज्यादा जो है मेरे टांग के नीचे ब्रूस हो गया था, क्योंकि मुझे एक चेहरा बहुत बुरी तरह से लगा था। गिराया ना मुझे। चॉकलेट है लिखा हुआ भाई। कोई नहीं कोई नहीं, हाथ पीछे हमारा एक पीस गायब है। शुक्र है मेरा है के अंदर कितना खुला खुला सब कुछ है। उसके बाद हम पहुंचे अपनी खाला के घर, क्योंकि मैंने अपने कजन्स को ड्रॉप करना था और हमें लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख, तो हमने ऑर्डर कर लिया वहाँ पे पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा खाया, उसके बाद मेरी खाला बना रही थी कड़ी, तो मैंने अंदर से थोड़े से पकोड़े चुरा लिए, बहुत मज़े के बने थे, और साथ में इमली की चटनी। एक चुटकी संदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। एक चुटकी संदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो यार ये चेहरा है जो लगता है, एंड मैं जहेज में साथ ले आई हूँ। सो बेसिकली ये मेरे पॉकेट के अंदर चला गया था, क्योंकि मेरी जो पॉकेट है वो खुली हुई थी, एंड है छोटी सी बट बहुत ज़ोर की लगती है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप मोटे कपड़े पहन के जाएं। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आप सबको पसंद आई होगी। गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू वॉन्ट टू नो और सी अबाउट यूके की लाइफ, बिकॉज यूके की लाइफ पाकिस्तान की लाइफ से बहुत डिफरेंट होती है। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।